नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB डिजिटल इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक एजुकेशन चैनल की कितनी कमाई होती है और एजुकेशन चैनल की कमाई कहां कहां से YouTube के अंदर होती है। ठीक है, इस वीडियो में कुछ प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि कितने व्यूज पर आपको $1 इनकम बनती है, या कहें 100 व्यूज पर कितना डॉलर बनता है या 1000 व्यूज पर कितने डॉलर बनता है। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंत तक जान जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एजुकेशनल चैनल की कमाई यानी इनकम कहाँ कहाँ से होती है। तो देखिए, अगर आप अन्य कैटेगरी के चैनल से देखें, YouTube पर बहुत प्रकार के कैटेगरी के चैनल्स हैं, उसमें से एक कैटेगरी है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के अंतर्गत जो व्यूज होते हैं उनका क्राइटेरिया बहुत ही लिमिटेड होता है, तो व्यूज थोड़ा सा यहाँ पर कम आते हैं एजुकेशन पर, फिर भी जो आते हैं व्यूज उस पर कैसे कमाई होती है वो जानिए। तो सबसे पहले जो इनकम होती है वो होती है एड्स रिवेन्यू। एड्स यानी जो जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में या एंड में कुछ ऐड आते हैं, उनसे ही इनकम होती है। व्यूज़ कितने भी आए उससे कोई मतलब नहीं होता, जितने आपके वीडियो में ऐड आएंगे सिर्फ ऐड से ही इनकम आपकी होती है। ठीक है, तो पहला हो गया ऐड रेवेन्यू। और ऐड रेवेन्यू देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत कम होता है अन्य जो YouTube के अर्निंग सोर्स है उनके मुकाबले। दूसरा, जो YouTube पर आपका एजुकेशनल चैनल से इनकम होती है वो स्पॉन्सरशिप से भी इनकम होती है, जिसको ब्रांड डील्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपका चैनल है कोई एजुकेशन का, उसमें आप SSC की जानकारी दे रहे हैं, तो SSC की बुक्स के जो पब्लिकेशन होते हैं वो भी आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि हमारी ये बुक प्रमोट कर दीजिए, उसके बदले आप कुछ उनसे पैसे चार्ज करेंगे, तो वो क्या होता है, ब्रांड डील्स होता है, स्पॉन्सरशिप होता है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। एड्स के मुकाबले डबल या ट्रिपल इनकम आपकी स्पॉन्सरशिप से हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपका एक स्टेबल चैनल हो जाना चाहिए। हर वीडियो में कम से कम 2,000 से 3,000, 4,000 व्यूज़ आने चाहिए। अगर 1,000 व्यूज़ भी आपके कंटिन्यू आ रहे हैं तब भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। ठीक है, दूसरा हो गया स्पॉन्सरशिप। तीसरा होता है आपका अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग भी एक सोर्स होता है इनकम करने का, वो डायरेक्ट यूट्यूब से लिंक तो नहीं है लेकिन हाँ कर सकते हैं। चौथा होता है अगर आप कोचिंग वगैरह चलाते हैं या अपने कोर्सेज वगैरह चलाते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स होता है एजुकेशन चैनल के लिए वो यही होता है कि आप यूट्यूब के जरिए एडमिशन्स पा सकते हैं, अपने कोर्सेस में बच्चों को इनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी कमाई आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे अगर आप देखा होगा यूट्यूब पर तो एक मेंबरशिप होती है। ठीक है, बहुत से लोग मेंबरशिप से भी अर्न करते हैं, देखा होगा जहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होता है चैनल पर, वहीं पर ज्वाइन लिखा होता है ब्लू कलर से, तो जो लोग ज्वाइन करते हैं ठीक है वो लोग कुछ पैसा पे करते हैं, वो पैसा यूट्यूब और क्रिएटर को बराबर जाता है और वहाँ से भी आपकी इनकम जो होती है उसको मेंबरशिप बोलते हैं। इसके अलावा अपलोड भी एक फीचर होता है, उससे भी इनकम हो सकती है, और इसके अलावा सुपर चैट भी फीचर होता है, वहाँ से भी इनकम होती है, लेकिन ज़्यादातर एजुकेशन चैनल पर अपलोड या सुपर चैट या मेंबरशिप से इनकम ना के बराबर ही होती है। मेरी तो नहीं होती, दूसरे की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, अलग दूसरे कैटेगरी वाले चैनल है वो यहाँ से भी इनकम करते हैं। तो अभी तक आपने जान लिया कि कैसे कैसे आपकी इनकम आपकी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा जिनको आपको देख करके ये आइडिया लगेगा कि जो एजुकेशनल चैनल होते हैं वो कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है, ये हमारे एक चैनल का स्क्रीनशॉट है, एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले बनाया था जिसमें 5,829 व्यूज आए हैं। ठीक है, और इसमें हमें कितनी अर्निंग हुई है, इसमें $1.52 अर्निंग हुई है, लगभग $1.50। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि $1 के लिए जो है कितनी हमें व्यूज़ लाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और व्यूज़ जो है हमारे 5,829, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 5,829 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आया वो आया 3,886। ठीक है, 3,886 व्यूज़ पर $1 की अर्निंग हुई है, तो आप मोटा मोटा इसको 4,000 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितने व्यूज पर आपका $1 बनेगा। अब हम आपको दूसरा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो व्यूज है कुल मिलाकर के 11.2K व्यूज है, यानी 11,200 व्यूज है, और यहाँ पर जो अर्निंग हुई है वो $2.51 की हुई है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर पर चलते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट करें 11,200 डिवाइडेड बाई 2.5। अब यहाँ पर देखिए जो व्यूज आए वो 4,480 आए, यानी 4,480 व्यूज पर $1। तो दोनों में देखा काफ़ी कुछ डिफरेंस है, वहाँ पर 3900 के आसपास आया था, यहाँ पर 4500 के आसपास आया है। ठीक है, तो हर वीडियो में क्राइटेरिया अलग अलग होता है, किसी में कम व्यूज पर आपको अच्छी अर्निंग मिल जाती है, किसी में ज़्यादा व्यूज पर जो अच्छी अर्निंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ खेल होता है CPC का, एड्स की जो कॉस्ट होती है उसका। तो जनरली देखा जाए तो एजुकेशन चैनल पर 4,000 से 6,000 व्यूज के बीच में $1 आपका बन जाता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 व्यूज पर कितना डॉलर बनेगा, 1000 व्यूज पर कितना डॉलर बनेगा, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो अगर आप महीने का 1,000,000 व्यूज लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, 1,000,000 व्यूज यानी 1,000,000 व्यूज लेकर के आती हैं एक महीने में, और हम ये मानते हैं कि 5,000 व्यूज पर हमारा $1 बन रहा है, तो पर महीने का, प्रति महीने का जो आपका इनकम बनेगा वो करीब $200 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो समझाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।